अब रात्रि को सोना है तो रात्रि को किस में सोना चाहिए? पहले आपने देखा होगा भारत में कैसे सोते थे, छतों पे सोते थे, ऐसे कहा दिवा शीत गृह, दिन में तो शीतल किया हुआ, आजकल तो एसी कूलर लग गए। पहले क्या करते थे, झाड़ फानूस लगाते थे, उन पे पानी छिड़कते थे और उनमें से शीतल हवा मिलती थी। या हम राजस्थान में थे, हमारे इलाके में रेत बिछा दिया जाता था और उसको गीला कर दिया जाता था और उसके अंदर सोते थे, इतना शीतल कि आप अचंबा करोगे। क्यों? वाष्पीकरण होता था और सारा वातावरण ठंडा हो जाता था, छप्पर होते थे, ठंडे रहते थे, पक्के मकान अभी अलग है। तो शीत गृह निद्राम, दिन में सोना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में नियम है, और किसी ऋतु में दिन में नहीं सोना। लेकिन बोलो, ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना चाहिए। क्यों? शरीर थक जाता है, गर्मी, सूर्य, ये सारी धातुओं को क्षीण कर लेता है। सोने से क्या होता है, शरीर की पुष्टि होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना चाहिए। और निशि चंद्रांशु शीतले, रात्रि को ऐसे भवन पे सोना चाहिए जो चंद्रमा की किरणों से शीतल हो, अर्थात ऊपर सोना चाहिए। चंदन दिग्दंग, शरीर पे चंदन लगाना चाहिए, ठीक है जी। और छोटा कर देता हूँ, इस ऋतु में जो फूल हैं, विशेषकर सफ़ेद फूल, ये इस ऋतु के, उनकी माला आदि पहननी चाहिए। ऐसे मुक्तामणि भी पहनने चाहिए जो गर्मी नहीं देते, जो शीतलता देते हैं, जो सोमगुणी हैं, चंद्रमा का जिन पर प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के अनुकूल हैं, वो होने चाहिए। काननानी वनानी, और ऐसे वन में घूमना चाहिए, यानी वनों में घूमो, मतलब क्या, सब तरफ हरियाली हो, जैसे हम पार्क में जाते हैं, घूमते हैं, ऐसी जगह जहाँ फूल हैं, ऐसी जगह हमें जाना चाहिए। और क्या लिखा है, ग्रीष्म काले सेवेतर, अब मैं उसके साथ और भी इनकी व्याख्या की, हिम पर्वत बनानी चाहिए, ठंडे पर्वत, लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ वन प्रदेश हैं, हरियाली ज़्यादा है, शीतलता है, तो उसके पीछे यही उद्देश्य है। अब एक, हम सब गृहस्थ हैं, सभी मनुष्य हैं, प्रकृति ने व्यवस्था भी की है, किसकी की है, मैथुन की, स्त्री पुरुष हैं जी, संतान उत्पत्ति के लिए हैं जी, उनकी धातु खर्च होती है, तो लिखा है व्यायामम मैथुनम च वर्जयेत, इस ऋतु में व्यायाम और मैथुन नहीं करना चाहिए। व्यायाम करेंगे शरीर की शक्ति खर्च होगी, और शरीर पहले ही क्षीण है कार्यों से, और मैथुन से शरीर की सातु धातु, सातवीं धातु है वो खर्च होती है, तो सातवीं धातु यानी बनते 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 कितनी, इसका मतलब सातों धातुओं का नुकसान, पहली छः का भी नुकसान कर दिया, और पहले ही शरीर ने क्या कर दिया था, वृद्ध बताया था ना, गृधनिका और मारिका धातुओं को क्षीण कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, सुखा देती हैं, तो कहते हैं ये इनसे दूर रहना चाहिए। व्यायामम उष्ण अभ्यासम, व्यायाम उष्ण अभ्यास, ऐसा अभ्यास, ऐसा कार्य जिससे शरीर में गर्मी आती है वो भी टाल दें। और मैथुन, ये अतिशोषी, व्यायाम और मैथुन शरीर को सुखा ही डालते हैं, अतिशोषी, बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, लघु हल्के वस्त्र हों और शुभ्र वर्ण के हों, ये तो आप सब जानते ही हैं, गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े होने चाहिए, हल्के होने चाहिए और सफ़ेद या कम से कम रंगों वाले होने चाहिए, ठीक है जी। अब ये सारा मैंने बता दिया है, हैं जी, अब समाप्त करते हैं, स्नान की बात कर लेते हैं बस थोड़ी सी, फिर समाप्त करते हैं। स्नान इस ऋतु में मुल्तानी मिट्टी से करें या आंवला भिगो दें, आंवले के पानी से उससे रगड़ के करें, ये ठंडा होता है, ठीक है जी। और लस्सी और दही, उसमें चिकनाई होती है, उससे करेंगे, वो सफाई भी कर देगा और शरीर में स्निग्धता भी दे देगा। घृत कुमारी, जिसे आप एलोवेरा कहते हैं, हैं जी, तो घृत कुमारी नाम ही इसका, घी जैसा होता है ना ये, तो
तो वो लगा करके, मैंने तो घर में लगा रखे हैं, मुझे वर्षों हो गए मैं साबुन से कभी स्नान नहीं करता। ऋतु के अनुसार जो जो चीज़ें हैं प्रकृति की, अब जैसे वो आए थे क्या कहते हैं संतरे आए थे, संतरा खा ले के खा करके और उसके छिलके छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा लिए, अब उनको मैं 2-3 घंटे भिगो देता हूँ और स्नान करते समय उसको मसल करके शरीर पे लगा लिया, सुगंध की सुगंध और सफाई की सफाई और साबुनों में जो विष हैं उनसे बच गया। आंवले से ना लेता हूँ, मुल्तानी मिट्टी से नहाऊँगा, दही खट्टा बच गया, ये बच गया, मैं कभी फेंकना मत, इसको कुछ मत करना, मैं स्नान कर लूँगा तो मैं उससे अपना स्नान कर लेता हूँ। ऋतु के अनुसार अलग अलग है, तो इन चीज़ों से स्नान करना चाहिए। सिर पर मैंने बताया था घी लगाना चाहिए और छोटे बच्चों को तो विशेषकर मक्खन रखना चाहिए, जिसका तालू ऐसे ऐसे करता ना, कच्चा होता, छोटा बच्चा है। हमारे सब लोग रखते थे, पुराने लोग, आयुर्वेद में भी घृत पिचुकम लिखा है। हाँ, तो रुई में लगा के रखना है, क्यों, इस ऋतु में गर्मी है तो पिघल के चला जाएगा, तो रुई उसको संभाल के रखेगी। और जो घर में रहते हैं जिनके सिर दर्द रहता है वो तेल पास में बजाएं, और जो बाजार का तेल है वो तो विष है, वो तो तेल है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या है उसमें, तो आप उनके अंदर शोध पता करके जाइए, मैं बोलना नहीं चाहता वो चीज़ें। बाजार का तेल मैं कभी भी नहीं लगाता, पता नहीं कभी भी से भी, और उसमें गंध है, इतनी गंध संसार में कहाँ से आएगी। भारत में 140 करोड़ लोग हैं इस समय, अभी आई गणना, उतनों के लिए सुगंध कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी बताओ, है प्रकृति में इतनी सुगंध, सब कृत्रिम सुगंध है। फिर तो अपनी चीज़ों से नहाओ, आपके घर में हैं अभी गुलाब, रोज़ घरों में लगे हुए हैं, वाटिकाओं में लगे हुए, ले आओ, दिन भर तो देखो और भिगो करके उससे स्नान कर लो, भिगो करके उस पानी को आँख में डाल लो, गुलाब जल, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपने करनी हैं। तो सिर के ऊपर वो लगाना है, तेल गर्म होता है, और बाजार का तेल तो मैं बोलना नहीं चाहता, बोल दिया, मैं तो उसको विष मानता हूँ, अच्छी चीज़ नहीं है कोई भी है जो लगाने वाले हैं। अब एक चीज़ और मैं नहीं बता दूँ, इस ऋतु में पश्चिमी हवाएं चलती हैं, रुक्ष होती हैं, नाक भी रुखे हो जाते हैं, कुछ लोगों को छींक बहुत आती है, तो वो लोग जब भी घर से निकलें, सवेरे स्नान करें तो नासिका हम साफ करते हैं, तो इसके अंदर बादाम का तेल, सरसों का तेल, अलग अलग ऋतुओं में, इस ऋतु में घी लगाएं, घी ठंडा होता है, तेल सारे गर्म होते हैं। सर्दी की ऋतुओं में तिल का तेल या बादाम का लगाएं, नहीं है तो सरसों का लगा लें, ठीक है। तो जब निकलें तो क्या होगा, दिन भर आप धूल मिट्टी में, इस समय वातावरण में कितना तो बूंदाबांदी हो गई, नहीं तो कितना बुरा हाल था, फसलें कट रही हैं, धूल मिट्टी सब कुछ है, आँख के रोग हो रहे हैं, नाक बुरा हाल, गले के रोग उसके कारण हो रहे हैं। तो पूरी ग्रीष्म ऋतु में रुक्ष हवाएँ आएंगी, तरह तरह के जीवाणु नासिका कि आपके जो अंदर के इस बहुत संवेदनशील वो हैं जो अनुभूतियाँ हैं करते हैं, तो वहाँ, और रात को सोते समय फिर साफ़ कर लें, दिन भर की सफाई कर ली, ऐसे पानी डालें और साफ़ कर लें उसको, और फिर लगा करके सो जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो घ्राण शक्ति है और नासिका में जो अंदर जाने से रोकने वाले जो तत्व हैं, जो रोकते हैं, विजातीय द्रवों को नहीं जाने देते, उनकी शक्ति बढ़ेगी, आपको एलर्जी जिसे कहते हैं डॉक्टर ये वो करते हैं वो कभी भी नहीं होगा। इस ऋतु में घी लगाएं। लगाने का ये तरीका है कि सीधा घी न लगाएं, पहले नाक को गीला करें, साफ कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ घी रखें और जिस उंगली से लगाएं उस उंगली को पहले पानी से भिगोएं, क्यों, इसकी त्वचा क्या है, नाखून क्या है, रुक्ष है, तो वो कोमल हो जाएंगे, वो अंदर जाएंगे तो उसको घायल कर देंगे, वो कोमल करके फिर आप घी ये जो रखा है यहाँ उसमें उंगली डालें और फिर उससे ऐसा करेंगे। तो इस ऋतु में ऐसे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। और उसी कैसे कहते हैं खसखस, खसखस का लेप भी करें, मेहंदी लगाएं पैरों में गर्मी लगती है तो, और चंदन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा विहार था, मैं बताना भूल गया बाद वाला, स्नान, विहार का मतलब भोजन जो अंदर जाता है, विहार का मतलब बाह्य जो सारी चीज़ें हैं, ठीक, वो है। तो संक्षेप में ग्रीष्म ऋतु चर्या, उसका आहार विहार, इस पर हमने विचार किया, यथासंभव प्रयास करें। 100 अंक तो कभी किसी के नहीं आते, एक आधे के आते हैं, कोई 10 अंक लेता है 100 में से, कोई 20 लेता है, कोई 50, कोई 100 भी ले लेता है। लगे रहो, प्रयास करते रहो, जीवन में बीमारियां नहीं आएंगी, प्रकृति के अनुकूल जीवन जिए। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।